हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल अबाउट कंट्रोवर्सी। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ एथलीट्स के अपडेट्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट अपडेट है सादिक हेडजोविक को लेकर। सादिक अभी 2 वीक से भी कम समय में शिकागो प्रो में कम्पीट करने वाले हैं। उनकी बॉडी देखकर ये साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी फिजिक पर कितना काम किया है। उनकी कंडीशनिंग देखकर सब लोग हैरान हैं। बात करें सादिक की फिजिक की, तो उनकी चेस्ट में फाइबर्स पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड आप देख सकते हैं उनके जब भी वो स्टेज पर आते हैं, लोगों को उनकी पोजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। इस बार भी उम्मीद है कि वो शिकागो प्रो में शानदार परफॉर्मेंस देंगे और इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था सादिक हेडजोविक का अपडेट। उम्मीद करते हैं कि वो अपने फैंस को निराश नहीं करेंगे एंड शिकागो प्रो में शानदार परफॉर्मेंस देंगे। तो गाइस, आपको क्या थॉट्स हैं सादिक हेडजोविक को लेकर, आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो अगला अपडेट आ रहा है हमारा लैरी व्हील्स की तरफ से। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि लैरी व्हील्स को एक थप्पड़ पड़ा है सुपर हैवी वेट चैम्पियन लेन वेन्स की तरफ से। जिनकी वेट की बात करी जाए तो वो 198 केजी के हैं। वैसे तो लैरी व्हील्स हमको बहुत अलग अलग फील्ड्स में दिखाई देते रहते हैं, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो या फिर आर्म रेसलिंग हो, पर अभी वो हमें ये न्यू स्पोर्ट पावर स्लैब में दिखाई दे रहे हैं। एंड ये वीडियो के नीचे वो कैप्शन में लिखते हैं, शुड आई जॉइन पावर स्लैब। ये एक नया ट्रेंड है जिसमें कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे को थप्पड़ मार कर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसे कुछ लोग स्पोर्ट्स के नज़रिए में देखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक थ्रिलिंग एंटरटेनमेंट की तरह समझते हैं। इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं अपने मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। तो गाइज, आपको क्या लगता है, लैरी व्हील्स पावर स्लैब ऐसा स्पोर्ट ज्वाइन करें? वैसे तो ये बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट है। इसमें लैरी व्हील्स जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान को भी पूरा अच्छे से हिला दिया, उनको भी चक्कर आ गए। वैसे आपके इस स्पोर्ट के बारे में क्या व्यूज़ हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो गाइज, अब नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे शॉन क्लरेडा की, जो कि अभी 14 वीक्स आउट हैं ओलंपिया से, जिसमें उन्होंने अपना रिसेंट फिजिक अपडेट देते हुए बताया कि ये उनका फर्स्ट एंड लास्ट अपडेट रहने वाला है शो तक का। इसके बाद अब वो कोई अपडेट नहीं देने वाले। तो आइए इनकी फिजिक अपडेट की बात करें, तो शॉन ने इंटरनेट पर अब तक का सबसे ज़बरदस्त अपडेट दिया है। मतलब गाइज, इनकी फिजिक देखकर मैं तो शॉक ही रह गया था। अभी तो इनके पास 14 वीक्स और हैं, लगता है इस बार कुछ बड़ा होने वाला है स्टेज पर। और भाई, कियोन पियर्सन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनका तो अलग ही लेवल है। इन दोनों का कॉम्पिटिशन मिस्टर ओलंपियड 212 डिवीज़न में एकदम इंटेंस होने वाला है। इस सीज़न में ये दोनों बहुत ही सॉलिड प्रैप कर रहे हैं और देखते ही देखते इनकी फिजिक में मैसिव इम्प्रूवमेंट दिखने लगे हैं। शॉन क्लरेडा की बात करें तो उनका ओवरऑल फिजिक बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है। उनके क्वैड्स एंड बैक पोज देखने लायक हैं और वो शेप इन्होंने जो अचीव किया है वो काफ़ी यूनिक है। शॉन 14 वीक्स आउट हैं स्टेज से, बट इनकी फिजिक अभी से इतनी डिफाइंड है, बहुत अच्छे ओवरऑल मस्क्यूलर भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, ओवरऑल बात करें तो अभी से ही ये कंपटीशन बहुत टफ दिखाई दे रहा है। शॉन क्लरेडा एंड कियोन पियर्सन दोनों ही अपने बेस्ट वर्जन में मिस्टर ओलंपिया स्टेज पे आने वाले हैं और हमें वेट है इनके फाइनल लुक का कैसा होगा। अगर इस बीच शॉन क्लरेडा या फिर कियोन पियर्सन का कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको इस चैनल पर आगे देखने को मिलेगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, 212 कैटेगरी में इस बार ओलंपिया का टाइटल कौन लेकर जाएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।